फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लाइक वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में सेटिंग, या आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में डायलर। तो आपको डायलर को ओपन करके थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर एलईडी डिस्प्ले, इसको आपको दोनों ऑप्शनों को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद बैक हो जाएंगे। या आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में ब्लॉक नंबर, आपको अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक इनेबल करना। तो अननोन नंबर की कॉल ब्लॉक इनेबल करने के लिए ऑन कर लेंगे। अगर आपको किसी पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करना है तो ऐड नंबर पर क्लिक करके फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे, या तो कोई भी नंबर सेलेक्ट करके ब्लॉक कर देंगे। इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक इनेबल करेंगे। तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कॉलिंग अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, आपको यहाँ पे ना फोन में कॉल फॉरवर्ड इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रिटिंग सेटिंग कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ तक कोई भी ना किसी भी नंबर पर कॉल फॉरवर्ड अपनी कर सकते हैं। जैसे मैं फ़ोन में देखिए आप सब, इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको बैक हो जाना है। यहाँ से आपको कॉल वेटिंग इनेबल करना है। तो यहाँ से रेटिंग सेटिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग ऑन करना है या ऑफ करना है, आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये हमारी रेटिंग सेटिंग कंप्लीट होगी, तो हम यहाँ से ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं, अगर ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग इनेबल करेंगे। तो यहाँ से आपको अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग इनेबल कर लेना है। इस प्रकार अपने फ़ोन में देखिए हमारे पहले से ही ऑन है, अगर आपको ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपने फोन में कॉल वेटिंग इनेबल करेंगे। तो अगर फ्रेंड यहाँ से आपको बैक हो जाना है, बैक होने के बाद भी यहाँ आपको ऑप्शन देखने में जाता कॉल रिकॉर्डिंग, यदि कि आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन में ऑप्शन देखने को मिलता है नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट, आपको इस पर क्लिक करके अल्फा रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना। तो आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी। अगर आपको किसी पर्सन नंबर को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट नंबर पे क्लिक कर लेना है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद में कोई भी नंबर सेलेक्ट करके ऑन कर देंगे और आलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करनी है। यहाँ से आपको अपने फ़ोन में कितने दिन आपको इनेबल पे कर देंगे तो आपके फ़ोन में कंटिन्यू आपकी कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल, मंथ के साथ एक मंथ की नहीं करना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, स्टोर बाय पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप फर्स्ट नाम या स्टोर नाम से ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से आपको बैक हो जाएगा, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में नेवर प्लीज, आपको नेवर प्लीज पे क्लिक करना है। दोनों ऑप्शनों को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में बैक हो जाना है। यहाँ पर आपको क्योंकि ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे कि आपको फ़ोन में कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है, आप उठने पा रहे हैं एमरजेंसी, तो यहाँ से फ्री होने के बाद में कोई भी मैसेज ट्राई कर देंगे, ओके कर देंगे, बैक हो जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड, साउंड पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन रिंगटोन, रिंगटोन अलार्म, आपको जो भी रखना है आपने अपने फ़ोन में अलार्म रिंगटोन या अलार्म रिंगटोन जो भी करना है रिंगटोन चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी रिंगटोन सेलेक्ट करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके कर देंगे। जो भी रखना है आप सेलेक्ट करके चेंज कर लेंगे। यहाँ से आपको बैक हो जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में एडिशनल सेटिंग, आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डायल पैड साउंड, टैप साउंड, प्ले साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, जो भी साउंड ऑन ऑफ करना है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक हो जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में वॉइस मेल, आपको वॉइस मेल पर क्लिक करके जिस नंबर पर अपनी वॉइस मेल ऐड करना है आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट करके वॉइस मेल ऐड कर देंगे। यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में फ्लिप टू साइलेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में जब आप इसको ऑन करेंगे आपके फ़ोन में कॉल आएगी और अपने फ़ोन को जब फ्लिप कर देंगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिक साइलेंट पर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड कॉल सेटिंग इनेबल करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।